नमस्कार दोस्तों, कॉन्कर आईएस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एमपीपीएससी की सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम कई सारे लेक्चर ले चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो आप पहले हमारे कॉन्कर आईएस के प्लेलिस्ट में जाइए एमपीपीएससी, उसमें आपको ये सारे और पुराने वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एक लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा चुका हूँ, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में कैग एंड नीति आयोग पढ़ा चुका हूँ, उसके नेक्स्ट लेक्चर में यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी पढ़ा चुका हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एमपी नेशनल कमीशन फॉर एसटी पढ़ा चुका हूँ, फिर नेशनल लेक्चर में हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पढ़ा चुका हूँ। अब मैं जो आज पढ़ाने जाने वाला हूँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ाने जा रहा हूँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग। हमारी हमारे देश में केंद्रीय सतर्कता आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर इसका इतिहास देखा जाए तो हम इतिहास के माध्यम से कुछ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में सीवीसी, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। आयोग का अगर इतिहास पढ़े तो पहले 1948 में जीप घोटाला हुआ, जबकि 1948 में हमारा देश आजाद का हुआ, 1947 में उस समय हमारे देश में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 बनी, उसी समय 1948 में ये जीप घोटाला हुआ। तो इस भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो 1947 में बना था, उसकी समीक्षा की गई। ऐसा क्यों भाई, अलग ऐसा क्या हुआ? तो ये बक्सी टेक चंद के उस लगे अध्यक्षता में इसकी समीक्षा करने के लिए मतलब बनाया गया, इस समिति का गठन किया गया, बक्सी टेक चंद समिति का गठन किया गया। क्योंकि हमारे देश में अलग देश जिस साल स्वतंत्र हुआ उसी साल भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 आया, उसी उसके नेक्स्ट ईयर में 1948 में जीव घोटाला हुआ, फिर 1950 में गुरुवारा समिति का गठन किया गया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। 1950 में कौन सी समिति बनी? गुरुवारा समिति बनी। गुरुवारा समिति का संबंध किससे है? केंद्रीय सतर्कता आयोग से है। अगर आपसे ये पूछा जाए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब बना, तो आपका जवाब होना चाहिए 1947 में बना, ठीक है दोस्तों। फिर 1957 में मुद्रा घोटाला हुआ, कौन सा घोटाला हुआ? मुद्रा घोटाला हुआ। फिर इसके 1962 में गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संथानम समिति की गठन किया, ये पीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 में गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री संथानम समिति की गठन किया, इस गठन ने इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग गठन का प्रावधान किया के बारे में बोला। समिति का सुझाव, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सर्वोच्च संस्था बनाई जानी चाहिए और उसे आम आदमी तक पहुंच होनी चाहिए। मंत्री संथानम समिति ने बोला कि भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए सर्वोच्च संस्था बनाई जानी चाहिए और उस तक आम आदमी की पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। फिर फरवरी 1964 में स्वतंत्रता आयोग की स्थापना की गई। अगर इसकी स्थापना की बात बोलें, कब कब की गई सीबीसी की, तो 1964 में सतर्कता आयोग की समिति की सिफारिश से संथानम समिति 1962 की सिफारिश से 64 में समिति कब बनी, तो 1964 में बनी। अब इसको 2003 में केंद्रीय सतर्कता अधिनियम पारित करके इस आयोग के पद दिया गया, मतलब इसको कानून के अंतर्गत
इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। इसको कब वैधानिक दर्जा दे दिया? सीबीसी को 2003 में वैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा दिया गया? वैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब संविधिक। अगर आपसे बोले संविधिक दर्जा या वैधानिक दर्जा, तो दोनों सेम ही चीज है। संविधान में विधि बनाकर इसको आयोग कमीशन का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे नेक्स्ट उसी टॉपिक। 2004 में केंद्रीय मतदाता आयोग को सार्वजनिक हित खुलासी एवं सूचना देने वाले सुरक्षा प्रस्ताव, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मल रिसोल्यूशन PIDPI के तहत सूचना देने वाले विस्लर ब्लोवर द्वारा भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोप में किसी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायत प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने हैं तो अभिकरण बनाया गया है। उक्त प्रस्ताव को विसल ब्लोअर के नाम से जाना जाता है। आयोग को साथ ही सशक्त एजेंसी के रूप में बनाया गया है। वह जानबूझकर दुर्भावना से प्रेरित तो शिकायतों को कार्रवाई करें। 2004 में 2004 में केंद्रीय मतदाता आयोग को सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले सुरक्षा प्रस्ताव, पब्लिक इंटरेस्ट एंड डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मल रिसोल्यूशन के तहत सूचना देने वाले वॉइस ब्लोअर को भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों के किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतों की जांच और उनकी कार्रवाई करने हेतु अभिकरण बनाया गया, तो मतलब कमीशन बनाया गया है। उक्त प्रस्ताव को विशल ब्लोवर कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। आयोग को इसके साथ ही ऐसी सशक्त एजेंसी के रूप में बनाया गया है। जानबूझकर दुर्भावना पूर्ण शिकायतों पर कार्रवाई करें। आयोग की संरचना अब हम आगे देखेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की आयोग की संरचना क्या है? ये बहुसदस्यीय है। ये केंद्रीय मतदाता आयुक्त अध्यक्ष, दो या दो से कम मतदाता आयोग, मतलब कहने का बहुसदस्यीय, एक आयुक्त होगा प्लस दो से कम। कहने का तात्पर्य, दो या दो से कम एक भी हो सकता है या एक नहीं तो ये कम से कम दो, दो या दो से कम तो दो या फिर एक होगा, दो या दो से कम तो ये। तो इसको एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि इसमें तीन होंगे या कि दो होंगे। तो इसमें आपका अगर आता है ऑप्शन में एक आयुक्त तो प्लस अन्य, तो ठीक है, एक प्लस दो ये भी सही रहेगा। अगर आपसे पूछता है एक प्लस दो से कम तब भी सही रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करेगा। इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा इन सदस्यों की नियुक्ति? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन ये क्या करेगा? समिति के सिफारिश में करेगा। तो समिति के सिफारिश में कौन होगा? पीएम होगा, केंद्रीय गृह मंत्री होगा और अन्य सदस्य में लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। मतलब समिति में कौन होगा? पीएम होगा, अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, केंद्रीय गृह मंत्री होगा, केंद्रीय गृह मंत्री होगा। कार्यालय कार्यकाल क्या होगा? 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, अभी तक हमने जो पढ़ा है तो उसमें 3 वर्ष या 65 वर्ष या कि 6 वर्ष या कि 65 वर्ष, जो भी हो, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पहला आयोग ऐसा है जहाँ 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अपने कार्यकाल के पश्चात केंद्र या राज्य सरकार किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। अपने कार्यकाल के पश्चात या कि रिटायर्ड होने के पश्चात ये केंद्र अथवा राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
आयुक्त और अन्य आयुक्तों को उनके पद से राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों से हटा सकता है। ये तो हमने देखिए पहला पॉइंट है, यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो, यदि वह राजनीतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी केंद्र सरकार की निगाह में पाया गया हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यदि अपने कार्यकाल में अपने कार्यक्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार के लाभ का पद को ग्रहण करता है। फोर्थ पॉइंट, यदि वह मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से अपने कार्य करने में असमर्थ हो। राष्ट्रपति के अनुसार यदि वह कोई आर्थिक इस प्रकार से अन्य लाभ पद लाभ प्राप्त करता है जिससे कि वह आयोग के कार्य वह पूर्वाग्रह से हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अन्य आयुक्तों को उनके दुराचार अक्षमता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। देखो दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार अलग की राष्ट्रपति करता है, जो कि 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो अपने कार्यकाल के रिटायर होने के पश्चात केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी पद के योग्य नहीं होते हैं। अब आई बात राष्ट्रपति उनके पद से कैसे हटा सकता है यदि वह दिवालिया हो गया हो। एक नैतिक चरित्र के आधार पर किसी अपराध में दोषी हो केंद्र सरकार की निगाह में पाया गया हो तब भी हटा सकता है। यहाँ पे ध्यान दें, केंद्र सरकार की निगाह में उसका चरित्रहीन या किसी अपराध का दोषी हो तब भी हम हटा सकते हैं। यदि अपने कार्यकाल में अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी लाभ का पद ग्रहण किया हो, मतलब जैसे वो सीबीसी का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, वह किसी और लाभ का पद भी काम कर रहा हो, तो तब भी उसको हम उसके कार्य क्षेत्र से मतलब यहाँ से हटा राष्ट्रपति हटा देगा। चौथा पॉइंट, ये मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो तब वही राष्ट्रपति के अनुसार तब भी उसको हटा देंगे। यदि वही कोई आर्थिक हो या इस प्रकार से अन्य लाभ प्राप्त करता है जो कि आयोग के कार्य से पूर्वाग्रहित युक्त हो तब भी हटा सकते हैं। इस प्रकार अतिरिक्त राष्ट्रपति केंद्र सतर्कता आयुक्त अन्य आयुक्तों को उनकी दुराचरण अक्षमता के आधार पर उनके पद से हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होगा। यदि वह जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसके सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये सब अभी हमने आधार आपको बताया पढ़ाया, तो उसमें राष्ट्रपति उसको डायरेक्ट नहीं हटा सकता है, उच्चतम न्यायालय को भेजेगा। ये पूरी जानकारी जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है, मतलब अगर उच्चतम न्यायालय ने जांच किया अगर वो सही पाता है तो राष्ट्रपति तो उसकी सलाह पर मतलब जज की सलाह पर राष्ट्रपति उनको पद से हटाएगा। किसको हटाएगा? सेंट्रल बिजनेस कमीशन के आयुक्तों को। ठीक है, वह दुराचरण का दोषी माना जाएगा, मतलब हम इसको डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, वह दुराचरण का दोषी माना जाएगा यदि वह दो पॉइंट है केंद्र सरकार किसी भी अनुबंध अथवा कार्य में संलिप्त हो अथवा वह ऐसे किसी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता है जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ और सुविधाएं किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त करता है। मतलब दुराचरण का दोषी तभी माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार के किसी अनुबंध या कार्य में संलिप्त हो, वो अथवा वह ऐसे भी कार्य में अनुबंध हो अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो अथवा जिसके उपरांत वह प्रकट होने वाले लाभ सुविधाएं किसी कंपनियों के सदस्यों को के समान होता हो। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वेतन भत्ते व अन्य सेवा। ठीक है, वेतन भत्ते व अन्य सेवा। पहला है केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन भत्ते भत्ते एवं अन्य सेवा शर्त यूपीएससी के अध्यक्ष के समान ही होता है। जो यूपीएससी के अध्यक्षों के समान होता है, इसमें यूपीएससी का कलागत तात्पर्य यहाँ पे ये है, इनको भारत की संचित निधि से ये संविधान के आर्टिकल 266 में दिया गया है। इनके वेतन भत्ते में संसद में मतदान
नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इन अधिकृतों का आयोग की वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें यूपीएससी के अध्यक्ष के समान ही होता है, क्योंकि यूपीएससी के अध्यक्ष को भारत की संचित निधि संविधान के आर्टिकल 266 के तहत इस पर सांसद में मतदान नहीं होता है, इसलिए ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सतर्कता आयुक्त आयुक्त की यूपीएससी के सदस्यों के समान है। सतर्कता आयुक्त के जो यूपीएससी के सदस्यों के समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नियुक्ति के उपरांत इनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की नियुक्ति के आयुक्त की नियुक्ति के उपरांत उनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आयोग के कार्य। ठीक है, आयोग के कार्य, पहला कार्य है केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसी ऐसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध किया गया हो। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिससे केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध किया गया हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा दूसरा पॉइंट, भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी व अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी अथवा केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिससे उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराधिक आरोप हो सकता है। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं, यहाँ पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब बना, तो 1988। ठीक है, तो आयोग का जो कार्य है, भारतीय सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा मतलब IAS अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी तथा केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्देश स्तर के अधिकारी श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी शिकायत की जांच करना जिससे उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के तहत किसी अपराध का आरोप हो सकता है, उस पर आयोग ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली पुलिस विशेष पुल की स्थापना, CBI के कामकाज को देख रेख करना। ये ध्यान देने बात, दिल्ली विशेष पुलिस बल की स्थापना CBI के कामकाज के भी देख रेख करता है। कौन करता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अंतर्गत मुकदमा चलने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों को समीक्षा करना। मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के मुकदमा चलने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को में दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों को समीक्षा करना, उसकी रिपोर्ट को जांच करना। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना। नेक्स्ट पॉइंट, लोक हित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत तो प्राप्त शिकायतों की जांच करना, आयुक्तों की कार्रवाई की अनुशंसा करना। लोक हित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना, आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना। कार्रवाई की अनुशंसा करना आयोग के कार्य है। आयोग के कार्य और भी हैं, लेकिन जो मेन मेन थे मैंने उसको ले लिया है। अब संगठन की बात करेंगे। ठीक है, आयोग सीवीसी द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संगठन। केंद्रीय रक्तदान आयोग का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षा शाखा CT, विभागों की जांच के लिए
आयुक्तों को, आयुक्तों की एक शाखा होगी, मतलब संगठन का एक अपना खुद का सचिवालय होगा, मुख्य तकनीकी परीक्षा शाखा होगी जिसको सीटीई बोलते हैं, विभागों की जांच के लिए आयुक्त होगी, सीडीआई की एक शाखा होगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सीबीसी के, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। केंद्रीय कलकत्ता आयोग, आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ, सबसे वरिष्ठ, अगर इसमें कोई उपस्थित होने में असमर्थ है तो हम उसको नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय कलकत्ता आयोग के पद उसके मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारणों से हुई हो तो किसी व्यक्ति व्यक्ति की दिशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा कलकत्ता आयोग में से किसी एक केंद्रीय कलकत्ता आयुक्त को विशेष नियुक्त कर सकेगा। तब तक वो कार्य जब तक नया कलकत्ता आयुक्त न नियुक्त हो जाए। कहने का तात्पर्य, पहला पॉइंट, केंद्रीय कलकत्ता आयुक्त आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसमें अगर मान लीजिए मेन जो केंद्रीय आयुक्त है वो अगर मान लीजिए का किसी बैठक में आने में असमर्थ रहा तो जो दो जो और उनमें से जो वरिष्ठ है तो उसको आयुक्त बना दिया जाएगा, मतलब कि वो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर केंद्रीय कलकत्ता आयोग के पद पर उसकी मृत्यु हो जाए या कि वो त्यागपत्र दे दे या किसी अन्य कारण से हुई हो तो किसी व्यक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना में कलकत्ता आयुक्त में से किसी एक को केंद्रीय कलकत्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकेगा और वह तब तक कार्य करता रहेगा जब तक नया कलकत्ता आयुक्त नियुक्त ना हो जाए। मतलब अगर किसी के केंद्रीय कलकत्ता आयुक्त की वह या कि वो त्यागपत्र दे दे वह कि उसकी मृत्यु हो जाए या कोई अन्य भी कारण हो तो इस दशा में क्या करेगा, राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेगा और अन्य आयुक्तों में से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा और वह अध्यक्ष तब तक रहेगा जब तक कार्यवाहक अध्यक्ष वो तब तक रहेगा जब तक वो नया कलकत्ता आयुक्त नियुक्त ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय कलकत्ता आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। किसकी शक्तियां हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां, सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं। आयोग के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें और सांप्रतिक समय रखवाएं। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट है। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के समाप्ति के 6 माह के अंदर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें। अगर मान लीजिए 1 ईयर प्लस 6 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं हो, ये किसको देंगे? ये देंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देगा संसद के समक्ष, संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, के समक्ष रखवाएगा। सभी कर्मचारी एवं लोक सेवक होंगे, अधिकारी एवं लोक सेवक, सभी लोक सेवक होंगे। अब हम पढ़ेंगे सीबीसी के कार्य क्षेत्र, केंद्रीय कलकत्ता आयोग के कार्य क्षेत्र। पहला है अखिल भारतीय सेवा के वे पदस्थ जो संघ राज क्षेत्र के मामले से संबंधित हैं तथा तो केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी हैं। केंद्रीय कलकत्ता आयोग के कार्य क्षेत्र में पहला पॉइंट, अखिल भारतीय सेवा के वो सदस्य जो संघ के मामलों से संबंधित हैं तथा केंद्रीय सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के स्केल 5 के ऊपर के अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी हों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, सीडीबी के ग्रुप डी है उससे ऊपर के अधिकारी, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और नाबार्ड और सीडीबी के ग्रुप डी के ऊपर के अधिकारी सभी सीबीसी के अंदर आते हैं। सभी किसके अंदर आते हैं? सीबीसी के अंदर आते हैं, आयोग के अंदर आते हैं। सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में के बोर्डों में मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी अधिकारी अनुसूचिका और ईएटी के ऊपर के अधिकारी, मतलब केंद्रीय सरकार आयोग के कार्य क्षेत्र में
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्डों के मुख्य अधिकारी या और कार्यकारी अधिकारी अनुसूची का खा और ई8 के ऊपर अन्य अधिकारियों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य अधिकारी व कार्यकारी अनुसूची खा और ई के ऊपर अन्य अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक एवं उनसे ऊपर के अधिकार स्तर के अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC के वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक उससे ऊपर के सभी स्तर के अधिकारी। एक CVC में वो अधिकारी जिनका 8700 मतलब के 8700 प्रतिमाह वेतन संशोधन पूर्ण आने पर केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता दर से ऊपर के हैं, तो जो दर के समय समय पर संशोधित की जाती है, सोसाइटियों या स्थानीय प्राधिकरणों केंद्र सरकार के अधीन हो या उनसे नियंत्रित हों। केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग के कार्य क्षेत्र में वे अधिकारी आती हैं जिनका 8700 प्रतिमाह का वेतन संशोधन पूर्ण पाने वाले हैं तथा केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता दर के ऊपर है, जो दर समय समय पर संशोधित की जाती है, सोसाइटियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों में केंद्र सरकार के अधीन उनसे नियंत्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आज मेरा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आज ये कंप्लीट हो गया है, इसको हम आपके एग्जाम के हिसाब से मेन में सिनॉप्सिस में बता देते, मैंने आज के आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो जो पहला है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब बना, तो आपको जवाब होना चाहिए 1947 में बना। फिर गुरवाला समिति किससे रिलेटेड, आपसे ये पूछ सकता है गुरवाला समिति किससे संबंधित था, आपको जवाब होना चाहिए केंद्रीय स्वतंत्रता आयुक्त से है। तो फिर ये बोला अगर आपसे पूछे कि पंथानम समिति किससे संबंधित है, तो आपको होना चाहिए CVC से संबंधित है। तो ये संधारण समिति कभी आई, तो आपको जवाब होना चाहिए 1962 में आई। इसी के सिफारिश से इसको स्वतंत्रता आयोग की स्थापना की गई, कब की गई, 1964 में संधारण समिति की सिफारिश के, और 2003 में केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग अधिनियम को पारित करके इसको वैधानिक दर्जा बना दिया गया। वैधानिक दर्जा कब बनाया गया, तो 2003 में बनाया गया। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको पॉइंट अभी बता रहा हूँ। और इसमें व्हिसल वेयर, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिसल वेयर जो आपको मैंने बताया है। आयोग ये बहुपदस्थी है, ये एक केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग का आयुक्त होगा, यहाँ अध्यक्ष तो नहीं होता हालांकि, लेकिन आयुक्त को एक तरह से अध्यक्ष, इसमें दो या दो से मतलब एक एक आयुक्त प्लस दो या दो से कम, ठीक है। जो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन समिति की सिफारिश पर करता है। तो इसमें समिति में कौन होता है, तीन सदस्य होते हैं, PM होता है, अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष का नेता केंद्रीय गृह मंत्री होता है। इनकी जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। वेतन भत्ते कौन देता है, तो वेतन भत्ते UPSC के अध्यक्ष के समान होता है, वो जो कि भारत के संसद निधि में होता है, संसद के संचित निधि अर्टिकल 266 में होता है। संसद में इसमें मतदान नहीं होता है, ठीक है। तो उसने आयोग के कारण मैंने आपको बता दिया। इसमें अभी जो लेटेस्ट है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 के हिसाब से काम करता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो इसके अन्य भी कार्यालय हैं, और मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें सभी कर्मचारी होते हैं, और आयोग के कारण वार्षिक रिपोर्ट देना, वर्ष की समाप्ति की इच्छा मतलब जो ये रिपोर्ट होती है, तो 1 साल या 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती, वो राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति सांसद को लोकसभा और राज्यसभा में के समक्ष ये रखवाता है राष्ट्रपति, ठीक है। मैंने आपको कार्य बता दिया, तो आज केंद्र सरकार आप बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करिए। और हम आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहे हैं, जो PT के हिसाब से MPPSC बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट क्लास में नए आयोग के साथ मिलेंगे।